चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये नीट का तीसरी बार रिजल्ट कब तक आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था री रिजल्ट पब्लिश करने के लिए, तो ये कब तक आने की पॉसिबिलिटी है, और इसमें जो फिजिक्स का क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ था उस आंसर के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टूडेंट को फायदा होगा और कौन कौन से स्टूडेंट को नुकसान होगा। इसमें कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिलेक्शन रेंज से बाहर हो जाएंगे और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिलेक्शन रेंज से पहले बाहर थे लेकिन अभी वो सिलेक्शन रेंज में आ जाएंगे। देखो, किस्मत का इतना बड़ा चक्कर होता है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा कोर्ट के द्वारा। और सिलेक्शन रेंज वाले इस बार का ऐसा माहौल रहा है, 720 के स्टूडेंट भी काफी खुश हुए थे। पहले 67 स्टूडेंट खुश हुए थे, फिर 61 हुए थे और वह अभी 17 पर आ गया है, और 17 स्टूडेंट के लिए अभी ये रास्ता साफ हो गया है एम्स दिल्ली के लिए। अब इसमें हम बात करें आगे कि कौन कौन से स्टूडेंट को इसमें फायदा होगा और कौन से स्टूडेंट को नुकसान होगा। तो सबसे पहले फिजिक्स का जो क्वेश्चन था, इसमें पहले जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 को करेक्ट माना था फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रोविजनल आंसर की में ओनली 4 ऑप्शन ही सही माना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल को इनकरेक्ट माना है। इसमें न्यू एनसीईआरटी में ईच की जगह मोस्ट एलिमेंट है इसमें, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन 4 सही माना है इसमें कि स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो जिन कैंडिडेट ने ऑप्शन 2 किया था और उनको बोनस मार्क्स मिला था उनके सबके बोनस मार्क्स कट जाएंगे और ये 5 नंबर का उनको फर्क पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये भी कहा था कि इसका नेगेटिव मार्किंग ना हटाएं, नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया जाए स्टूडेंट को जिनका गलत हुआ है, ऑप्शन 2 किया है जिन्होंने, उनके एक नंबर नेगेटिव ना काटा जाए। लेकिन बाद में जो ये ऑर्डर लिखाया गया था उसमें इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं था। मेरे हिसाब से ये 5 नंबर ही कटेंगे स्टूडेंट के। तो अभी हम बात कर लेते हैं यहां पर इस टेबल से कि कौन कौन से स्टूडेंट को फायदा होगा और कौन कौन से स्टूडेंट को यहां पर नुकसान होगा। तो देखो, ये है प्रीवियस ओल्ड रैंक रिजल्ट के अकॉर्डिंग। ये रैंक अप डाउन थोड़ा बहुत हो सकती है इसमें, क्योंकि एक एक मार्क्स पर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए ये रैंक में थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। लेकिन तकरीबन मैंने ये एक्यूरेट रैंक ही लिखी है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। 720 पर पहले 61 आ रही थी जो 30 तारीख को रिजल्ट पब्लिश हुआ था, 716 पर 71, 15 पर 280, तो इस प्रकार से ये रैंक पहले वाली आ रही थी यहां पर। और हम ये सोच रहे थे यहां पर कि इस रैंक तक सिलेक्शन हो जाएगा, यहां तक 655 मार्क्स तक, यानी कि 25,500 या 26,000 रैंक, वो तो सीटों के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि कितनी सीटें बढ़ती हैं, लेकिन 655 वाले कैंडिडेट्स को यहां ये सीटें मिल जाएगी, कट ऑफ यही रहेगी, ऐसा हमारा मानना था ये, और इस रैंक पर मानना था ये। तो ये तो है ओल्ड रैंक। अभी इसमें जिन कैंडिडेट्स के 5 मार्क्स इसमें कट जाएंगे उसके बाद ओल्ड रैंक के मुताबिक क्या सिचुएशन होगी, वो ओल्ड रैंक के मुताबिक मैं बता रहा हूं, ओल्ड रिजल्ट के मुताबिक। तो जिसका 720 था, जिनका 720 था, 61 स्टूडेंट थे, अभी 71 स्टूडेंट रह जाएंगे वो, और 716 में टोटल 10 स्टूडेंट हैं, टोटल इसमें 10 स्टूडेंट हैं, तो 17 ऊपर वाले आके टोटल इसकी रैंक 27 हो जाएगी। ये टोटल 10 स्टूडेंट ही हैं, तो इसकी लास्ट रैंक 27 हो जाएगी, यानी कि ये 18 से शुरू होगा, 18, 19, 20 और लास्ट रह जाएगी इसकी 27, रैंक खत्म हो जाएगी 716 पे। अभी 715 पर जो ये 44 कैंडिडेट्स थे यहां पर, जो 44 कैंडिडेट्स थे यहां पर, 44 कैंडिडेट्स थे यहां पर, ये 44 कैंडिडेट्स आके जुड़ जाएंगे 715 में। तो 715 की पहले 710 रैंक थी, पहले 280 रैंक थी, तो इसमें 44 और जुड़ जाएंगे यहां, तो इसकी रैंक जो हो जाएगी वो 710 की हो जाएगी, क्योंकि 715 से कुछ स्टूडेंट जिनका ये क्वेश्चन अभी इनके मार्क्स कटेंगे वो 710 में आ जाएंगे, तो इसकी 510 हो जाएगी। तो फर्क है, फायदा सिर्फ 720 को हुआ है, 716 को हुआ है,
715 के कुछ बच्चों को हुआ है और 711 के कुछ बच्चों को हुआ है, क्योंकि इनके पांच पांच मार्क्स, जैसे 715 के पांच मार्क्स डाउन होते हैं तो वो 710 पे आ जाती, पहले जहां जिसकी 280 तक रैंक थी वहां 510 तक चली जाएगी यहां रैंक ये। तो ये तो है ऊपर वाली रैंक को फायदा हुआ है। अभी जैसे जैसे नीचे नीचे रैंक आती जाती है उतना उतना फायदा थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, स्लोली स्लोली फायदा कम होता जाता है इसमें। अब जो हमारी रैंक थी वो हम सिलेक्शन की रेंज मान रहे थे 655, यानी कि इस रेंज पर सिलेक्शन हो जाएगा 655 पर। अभी जिन बच्चों के 659 थे, जिन बच्चों के 659 थे और उनका ये क्वेश्चन गलत हो गया है तो इनकी 654 मार्क्स हो जाएंगे इनके पांच मार्क्स कट के। अब इसके ओल्ड रिजल्ट में रैंक 23,000 आ रही थी, लेकिन ओल्ड रिजल्ट के अनुसार इस स्टूडेंट की रैंक 26,500 आ जाएगी, लेकिन अब जो नया रिजल्ट पब्लिश होगा उसमें इस स्टूडेंट की 654 की जो रैंक होगी वो 25,500 हो जाएगी। 25,500 उन सारे कैंडिडेट्स की रैंक भी हो जाएगी जिनके पहले 659 मार्क्स थे, गलती होने के बाद उनके 654 बने हैं, और उन कैंडिडेट्स की जिनके पहले 654 थे उनकी रैंक भी डाउन हो जाएगी। ये डाउन कितनी होगी मान लो, ये फर्क पड़ेगा, यानी कि ये टोटल जो फर्क पड़ेगा 659 से लेकर के 655 के कैंडिडेट्स को यहां फर्क पड़ेगा, इन कैंडिडेट को, बॉर्डरलाइन के कैंडिडेट को फर्क पड़ेगा सिलेक्शन रेंज में। फर्क तो सभी कैंडिडेट को पड़ेगा लेकिन सिलेक्शन रेंज में इन कैंडिडेट को फर्क पड़ेगा यहां पर। तो 659 जिसकी रैंक थी, सॉरी मार्क्स थे, उसके 654 आ जाएंगे, लेकिन ओल्ड रिजल्ट के अनुसार उसकी रैंक 26,500 आएगी, लेकिन न्यू रिजल्ट के अकॉर्डिंग उस कैंडिडेट की रैंक भी बदल जाएगी, 26,500 नहीं रहेगी। और जो नहीं इफेक्टेड नहीं थे इसमें, जिनका रिजल्ट में कोई मतलब उनका क्वेश्चन गलत नहीं था पहले जैसे ही है, उनकी भी रैंक में यहां फर्क पड़ जाएगा, यहां उनकी भी रैंक में फर्क पड़ जाएगा। वो कितना फर्क पड़ेगा वो इन पांच स्टूडेंट्स कितने थे उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये पांच मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने थे। मान लो 659 से लेकर के 655 तक 3000 रैंक है और 3000 रैंक में 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये क्वेश्चन गलत हुआ है और उनके मार्क्स कटे हैं, तो ये यहां 1000 का फर्क पड़ता जाएगा, यानी कि पहले जो उनकी प्रीवियस रैंक थी उस रैंक में 1000 कम होते जाएंगे, अगर 1000 हैं तो। फर्क किस स्टूडेंट को पड़ेगा, फर्क उस स्टूडेंट को पड़ेगा आपके जितने भी मार्क्स हैं, आपके जितने भी मार्क्स हैं, अगर किसी कैंडिडेट को, आपसे नीचे वाले कैंडिडेट को बोनस मार्क्स मिलकर के वो कैंडिडेट आपसे ऊपर पहुंचा था, जिस कैंडिडेट को बोनस मार्क्स मिलके वो कैंडिडेट आपसे ऊपर पहुंचा था और अब वो नीचे आ रहा है, अब वो आपसे नीचे आ रहा है, तो ये पांच मार्क्स आपके पांच मार्क्स का फर्क पड़ेगा, पांच मार्क्स वाले कैंडिडेट का फर्क पड़ेगा। आपसे नीचे वाले किसी कैंडिडेट को पांच मार्क्स देके अप किया है तो वो तो आपसे अप हो गया ना, तो उनका ही फर्क पड़ेगा। हरेक रैंक पर, हरेक मार्क्स पर पांच मार्क्स वाले कैंडिडेट का ही फर्क पड़ेगा, जो पहले उससे नीचे मार्क्स में थे और बोनस मिलने के बाद उनसे ऊपर हो गए थे, अभी वो फिर नीचे आ जाएंगे। तो ये पांच नंबर तक, जैसे कि मान लो पांच वाला है तो 604 और 600 के बीच में, 604 और 600 के बीच में कितने बच्चे जंप करके गए थे, 600 के नीचे पहले थे वो और 600 के बाद में जंप करके कितने पहुंचे थे 604 तक, 605 तक, उन पांच नंबर का फर्क पड़ेगा। उस पांच नंबर के अंदर जितने बच्चों को बोनस मार्क्स मिला था उतनी रैंक कम हो जाएगी हरेक स्टूडेंट की। अपने से ऊपर वाले जिनको बोनस मार्क्स मिलके पांच नंबर अप, अभी उनके डाउन हो रहे हैं, उनका फर्क पड़ेगा, उनकी रैंक कम हो जाएगी। इसको मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं, एक चीज आप ये समझ लिए
कि जो इसमें मतलब ये क्वेश्चन जिनका पहले से था यानी कि इसमें इफेक्ट नहीं है, उनके मार्क्स कटे नहीं है, उनको कितना फायदा होगा? तो उनको उतना फायदा होगा इन 5 मार्क्स में वो इफेक्टेड कैंडिडेट कितने हैं उतनी उनकी रैंक बढ़ जाएगी, उनकी उतनी रैंक बढ़ जाएगी यहां पर। जैसे मान लो अभी ये तो मैंने बता दिया आपको कि भाई 659 जिन कैंडिडेट्स के थे 20,000 रैंक थी, 23,000 रैंक थी उनकी, उसके बाद में उनके मार्क्स उनको एक क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे तो 654 बच जाएंगे। यहां पर 654 में ओल्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग उसकी रैंक 26,500 पर आ जाती, लेकिन 26,500 पर नहीं आएगी, उनकी 25,500 पर आ जाएगी। इसलिए आ जाएगी कि इन 5 में 1,000 स्टूडेंट हम मान रहे हैं, यहां पर हम यहां 1,000 स्टूडेंट मान रहे, जितने भी स्टूडेंट होंगे उतनी रैंक उनकी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो 658 पर पहले अभी उस कैंडिडेट के 653 हो गए तो 26,913 होनी चाहिए ओल्ड रैंक के अकॉर्डिंग, लेकिन उनकी 25,913 हो जाएगी 653 वाले, चाहे उसमें इफेक्टेड कैंडिडेट हो चाहे नॉट इफेक्टेड कैंडिडेट हो, अगर उसमें 1,000 बच्चे हैं। अगर उसमें 2,000 बच्चे हैं, 3,000 इन रैंक में से 2,000 ऐसे बच्चे हैं जिनका क्वेश्चन गलत हुआ है, तो फिर यहां 2,000 रैंक बढ़ जाएगी। अगर 500 है तो 500 बढ़ जाएगी। तो सिर्फ फर्क उन्हीं स्टूडेंट का पड़ रहा है, आपके 5 मार्क्स आपके नीचे वाले स्टूडेंट जम करके आपसे ऊपर गए थे और वो 5 मार्क्स के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि आपके ऑलरेडी ऊपर कैंडिडेट हैं। बोनस मार्क्स मिलने से नहीं, बोनस मार्क्स न मिलने से आपके ऊपर वाले कैंडिडेट हैं वो तो ऊपर ही रहेंगे, और जो आपके नीचे वाले कैंडिडेट हैं वो तो आपको इफेक्ट कर नहीं रहे। इसलिए इन 5 मार्क्स आपके 5 मार्क्स में जितने स्टूडेंट आते हैं उतनी ही रैंक इंक्रीज होगी आपकी। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे तो आपको फिर से इस एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं। ये तो मैंने सिलेक्शन रेंज का बता दिया है, ये तो मैंने सिलेक्शन रेंज का बता दिया। डिपेंड करते हैं कि इन 5 मार्क्स में बोनस मार्क्स मिलने वाले कितने स्टूडेंट है, जितने स्टूडेंट हैं उतने ही रैंक बढ़ जाएगी नॉन इफेक्टेड कैंडिडेट की। अब जैसे मान लो किसी कैंडिडेट के 600 मार्क्स थे पहले, और सॉरी 605 मार्क्स थे और उनका कम होके 600 मार्क्स आए हैं यहां पर। जिसके 604 थे उसका 599 हो गया, जिसके 603 थे वो 598 हो गया, जिसके 602 थे उसके 597 हो गया, 601 थे उसका 596 हो गया, 600 थे उसका 595 हो गया। अब सुनो यहां पर, ये तो होगी आपकी रैंक जो पहले पुराने रिजल्ट में आई थी, और ये मार्क्स कम होने के बाद ये रैंक पुराने रिजल्ट से है। अब नए रैंक में क्या आ सकती है? मान लो इन 5 के अंदर, मान लो इनमें 5 के अंदर हमने यहां 1,000 का माना था, यहां मैं 3,000 का फर्क मान लेता हूं या 2,000 का फर्क मान लेता हूं, यहां 2,000 का फर्क मान लेता हूं यहां पर। तो यहां जैसे 600 वाले कैंडिडेट की रैंक पहले 80,000 थी, पहले 80,000 थी, तो 2,000 रैंक कम हो जाएगी, यहां 78 आ जाएगी, यहां 78,000 आ जाएगी। 78,000 कौन से कैंडिडेट की आएगी? जो इसमें इफेक्ट है उनकी भी आएगी, और जिनका बोनस मार्क्स कम हुआ है उनकी भी आएगी। उनकी इसलिए आएगी कि भाई उनके भी तो 595 पर वो रैंक आनी चाहिए ना। ये 87,000 तो ओल्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग है, जो न्यू रिजल्ट आएगा तो उन कैंडिडेट्स को भी थोड़ा सा तो फायदा मिलेगा ना, उनको उन कैंडिडेट्स को थोड़ा सा तो फायदा मिलेगा, इनको जिनके बोनस मार्क्स कट रहे हैं उनका न के बराबर फायदा तो मिलेगा, उनका जितने कैंडिडेट्स हैं उनका फायदा तो मिलेगा उसको। जैसे मान लो 601 है यहां पर, 596 यहां पहले पुराने रिजल्ट में आनी थी 86,000 यहां, लेकिन अभी नए रिजल्ट में सभी 596 वाले कैंडिडेट की अगर इसमें हम 2,000 मानते हैं तो 84,000 रैंक आ जाएगी सभी की, जिसमें जिनका बोनस मार्क्स कटा है उसकी भी 84 और जिनका नहीं कटा है उनकी भी 84। तो ये सभी कैंडिडेट के लिए होगा, लेकिन 5 मार्क्स में ही फायदा होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब इन 5 मार्क्स में कितने स्टूडेंट आते हैं बोनस वाले, उतने ही रैंक कम होती जाएगी, नीचे 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 उतनी ही रैंक कम होती जाएगी। फिर मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, आपको फिर से समझा देता हूं कि हरेक कैंडिडेट को फायदा कौन सी रैंक, कौन से मार्क्स से होगा। जिन स्टूडेंट के, मान लो किसी स्टूडेंट के, मैं यहां मान रहा हूं किसी स्टूडेंट के 620 है, किसी स्टूडेंट के
मार्क्स 620 हैं और इस कैंडिडेट को बोनस का फायदा नहीं मिला क्योंकि इसने आंसर फोर किया था या गलत किया था या नहीं किया था, ये इसमें इफेक्ट नहीं है, इसके मार्क्स नहीं कट रहे 620 वाले के। लेकिन पहले इससे नीचे जिस कैंडिडेट के 619 थे, 618 थे, 617 थे और 600 यहां पर 16 थे, ये कैंडिडेट इनको 5 मार्क्स मिलकर के, इनको 5 मार्क्स मिलने से इस 620 वाले कैंडिडेट से ऊपर पहुंच गए थे। ये कैंडिडेट, इस कैंडिडेट 620 वाले से ऊपर पहुंच गए थे। अब वो इस सिचुएशन में दोबारा आ गई, ये 5 बच्चे इससे पहले ऊपर थे लेकिन अभी ये 5 बच्चे डाउन आ गए। यहां मैं 5 बच्चों का ही एग्जांपल ले रहा हूं, ये 5 बच्चे डाउन आ गए तो इसकी रैंक ऑटोमेटिक 5 डाउन जाएगी, 620 वाले को के 5 डाउन जाएगी। अगर इसमें 619, 18, 17, 16, 600 ये अगर 10 कैंडिडेट हैं, मान लो अगर ये 10 कैंडिडेट ऐसे थे जो इससे जंप किए थे तो इसकी अब 10 रैंक ज्यादा चली जाएगी। अगर ये 50 थे तो 50 ज्यादा चली जाएगी, अगर ये 100 थे तो 100 ज्यादा चली जाएगी, अगर ये 1000 थे तो 1000 ज्यादा चली जाएगी और 2000 थे तो 2000 रैंक इस कैंडिडेट की ज्यादा चली जाएगी। लेकिन आपको मैं एक यहां क्लियर कर देता हूं कि कोई भी स्टूडेंट ये आइडिया लगा रहा है कि मेरी ये रैंक आ जाएगी, जैसे कि कोई अगर किसी कैंडिडेट के अभी 656 से 651 हो रहे हैं, अगर किसी कैंडिडेट के 651 से, सॉरी 656, पहले थे 5 कट के उसके 651 हो गए, तो वो अगर हिसाब लगा रहा है कि ओल्ड रैंक से मेरे 28,448 रैंक आनी चाहिए इस रिजल्ट में, लेकिन उसकी 28,448 से भी कम रैंक आएगी, उसकी हो सकता है 28,000 आ जाए, उसकी हो सकता है 27,000 आ जाए, ये तो ओल्ड रिजल्ट है, ओल्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग रैंक कम होगी उसकी क्योंकि उसमें वो 5 वाले बच्चे उसमें भी तो इफेक्टिव हैं, वो भी तो डाउन आ रहे हैं। जब नए वाले बच्चे की जो इफेक्टेड नहीं है उसकी 651 पर 27,500 आएगी क्योंकि इसमें मान लेते हैं उसके 1000 बच्चे ऊपर थे, तो जब 651 वाले की यहां 27,500 आ रही है तो इस बच्चे की भी जो इफेक्ट हुआ है उसकी भी तो 27,500 आएगी यहां पर, तो रैंक चेंज होगी हर एक स्टूडेंट की। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं आपको मोटा मोटी तौर पर फिर समझा देता हूं फायदा कौन से स्टूडेंट को होगा। फायदा उस स्टूडेंट के होगा जिनके आपके अभी मार्क्स हैं और जो आपसे डाउन थे पहले, उनको बोनस मिलके आपसे अप गए थे, आपसे अप 5 नंबर तक ही तो गए थे, आपसे उनसे तो पहले ही ऊपर थे ना भाई, 5 नंबर तक ही ऊपर गए थे। 6 से यहां 20 वाले का अगर एग्जाम्पल ले लें तो 621, 2, 3, 4, 5 यानी 630 ये तो सारे ऊपर ही थे उससे, तो इनका तो पहले ही ऊपर थे भाई, इफेक्ट तो इनका पड़ा ना जो ये नीचे से ऊपर गए हैं, अभी ऊपर से नीचे आए तो ये तो 5 ही मार्क्स वाले आ रहे हैं आपके, पहले ये नीचे थे फिर बोनस मिलके ऊपर चले गए फिर ये नीचे आ गए आपसे, जब नीचे आ गए तो इन 5 के स्टूडेंट्स की जो जितने भी स्टूडेंट है आपकी रैंक कम हो जाएगी, ये तो ऑटोमेटिक सीधा सा हिसाब है, इसमें आपको ऐसे कोई कैलकुलेशन करने की ही जरूरत नहीं है, ये तो सीधा कैलकुलेशन हो गया। अब इसमें कितने बच्चे हैं ये हम आइडिया नहीं लगा सकते, यहां पर ये 400,000 स्टूडेंट टोटल हैं जिनको ये बोनस मार्क्स मिला था। मैं आपको यहां एक्यूरेट फिगर बताऊं तो ये मेरे ख्याल से 400,000 एक्यूरेट फिगर तो मेरे पास में, मैं आपको बताऊं ये थे 400,000, ये 400,000 के समथिंग थे और 900,000 के समथिंग थे जिन्होंने ऑप्शन 4 करेक्ट किया था। ये स्टूडेंट 400,000 कुछ थे और 900,000 वो स्टूडेंट थे जिन्होंने ऑप्शन 4 करेक्ट किया था, तो ये 400,000 स्टूडेंट के ये इफेक्ट होंगे इसमें। अब वो 400,000 स्टूडेंट कितने मार्क्स पर कितने हैं ये तो हमारे पास इसका कैलकुलेशन नहीं है, तो अभी अभी ये रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो इसके रिजल्ट में अभी ज्यादा समय नहीं लगेगा, हो सकता है रिजल्ट आज शाम तक भी आ जाए, कल शाम तक भी आ जाए, कल शाम तक आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, कल शाम तक आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर कल भी नहीं आता है तो परसों तो अवश्य ही आ जाएगा, इतना ज्यादा लेट नहीं होगा।
क्योंकि इसमें एक ही मार्क्स हटाना होता है और एक मार्क्स हटाने में एक दिन का समय भी नहीं लगता है। तो हो सकता है ये आज शाम तक आ जाए, कल तक आ जाए या फिर लास्ट परसों तक आ जाए, लेकिन इसमें जो मोस्ट हमारी जो ये है कि कब तक ये रिजल्ट आएगा, तो वो कल शाम तक रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। ये इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि एक मार्क्स ही तो हटाना है। तो ये रिजल्ट जैसे ही आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी बुक का लिंक है। ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी सभी के बारे में बुक अवेलेबल है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एमसीसी, आयुष, वेटनरी सभी के बारे में ये बुक है। स्टेट कोटा के बारे में भी बुक है, ऑल इंडिया कोटा के भी बारे में बुक है। इसमें मैंने आपको कट ऑफ वगैरह के बारे में, 2024 के बारे में कैसे च्वाइस फिल करनी है और इसके बाद में इसमें बॉन्ड की क्या कंडीशन, बॉन्ड कितना कितना है हर एक स्टेट में, ये सारा सब कुछ मैंने इसमें दे रखा है इस बुक में। ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ये डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे। आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। ध्यान रहे हमारी पेड सर्विस लिमिटेड है। कुछ समय के बाद में हम मना कर देते हैं कि अब हम पेड सर्विस नहीं दे रहे हैं। तो ये जानकारी थी रिजल्ट के बारे में, इफेक्टेड कैंडिडेट्स के बारे में। मिलेंगे नई अपडेट्स के बारे में नए वीडियो में आपसे। फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।